वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोज और आप सब देख रहे हैं जिनीज वर्ल्ड। तो आज सबके लिए लाई हूं अपने फेवरेट साड़ीज का कलेक्शन। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं जो कि मैं ओकेजनली पहनती हूं, कुछ शादी पूजा या कोई फंक्शन पे। तो उनमें से मेरी जो कुछ फेवरेट साड़ी हैं तो आज मैं आपके सामने वो शेयर करूँगी आपके साथ। और ये सारी ऑफलाइन है, मतलब मैंने ऑफलाइन परचेज की है, तो मैं आपके साथ इनका कोई लिंक भी शेयर नहीं कर सकती। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप ऐसी तरह की साड़ी खरीदना चाहते हो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली साड़ी है ये जो कि है गाजरी कलर की। और ये साड़ी जो हमने परचेज की है, ये हमने कलकत्ता से परचेज की है। साड़ी का लुक है कुछ ऐसा है। ये इसकी बॉर्डर दी हुई है और ये नीचे बॉर्डर है, आपको गोल्डन कलर की बॉर्डर मिलती है। उसके ऊपर आपको ये वर्क मिलता है नेट के ऊपर, ये नेट है, नेट के ऊपर थ्रेड वर्क है। और उसके ऊपर बाकी ये सिल्क का कपड़ा है, कॉटन सिल्क, आई थिंक कॉटन सिल्क ही कहते हैं इसको, मुझे प्रॉपर पता नहीं। ये का पल्लू तो यहाँ पे भी सेम वही कपड़ा है जो आपको नीचे पे दिखाया था मैंने बॉर्डर के बाद। तो यहाँ पे भी पल्लू में भी आपको ये बॉर्डर दी हुई है, इसके साथ ये नेट के कपड़े पे थ्रेड वर्क दिया हुआ है। और इसके बाद ये कॉटन सिल्क का कपड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी ये प्लेन है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसी है। तो आपको इसके चारों तरफ ये बॉर्डर मिल जाएगी साड़ी के, जो प्लीट्स के बाद और नीचे पूरे बॉटम लाइन पे पूरी बॉर्डर है पल्लू तक। तो ये इसका पल्लू है। तो जब मैं इसकी वीडियो साथ में डालूंगी तो आपको पूरा पता चल जाएगा क्या लुक देती है। तो इस साड़ी में आपको अच्छी खासी लेंथ मिल जाती है और साड़ी तो प्यारी है ही। और इसमें ये हल्के हल्के बीच में ये भी लगाए हैं इन्होंने, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट बिट्स टाइप की थोड़ा सा ग्लिटर देने के लिए साड़ी। मोस्ट फेवरेट और वो है ग्रीन कलर की। तो ये मैंने ली थी चांदनी चौक से, दिल्ली में चांदनी चौक से। तो ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी के लिए ली थी, इसकी मैं फोटो या वीडियो साइट पे डाल दूंगी। इसके पूरी साड़ी में ऐसा ही वर्क है, ये आई थिंक ये भी मुझे नहीं पता ये इसको क्या कहते हैं इस कपड़े को, बट ये थोड़ा सा ये भी थोड़ा सिल्क और कॉटन ब्लेंड टाइप का है। ये इसका प्यारा सा पल्लू, इसका पल्लू काफ़ी हैवी है, ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और एकदम कॉन्ट्रास्ट है ग्रीन के साथ में रेड कलर का। और ये टेसल लिए हुए हैं रेड कलर के, यहाँ पे टूट गया। पूरी साड़ी ऐसी है जैसा आप देख सकते हो। इन्होंने जो ये साड़ी है इस पर इन्होंने पूरे गोल्डन कलर के छोटे छोटे बीड्स टाइप के चिपकाए हुए हैं, जैसे आप दिख रहा होगा आपको पूरी साड़ी पे ऐसी ही है। इस साड़ी को थोड़ा और रिच बना देती है। और बाकी इस पे ऐसी पिंक कलर के और गोल्डन कलर के फ्लावर और ऑरेंज कलर के फ्लावर दिए हुए हैं। और यहाँ आपको साइड से ना ये बॉटम से भी ऐसी बॉर्डर दी हुई है, बॉटम से पूरी बॉर्डर दी हुई है ऐसे ये रेड कलर की। और यही बॉर्डर आपको इसके ब्लाउज पे भी मिलेगी। तो इस साड़ी के साथ जो मुझे ब्लाउज रिसीव हुआ है वो इसी कलर का है, रेड कलर का। और उसके साथ ऐसी बॉर्डर दी हुई है जो ये इसके साइड पे है, किनारे पे। तो ब्लाउज अभी पता नहीं कहाँ है तो इसलिए मैं आपको दिखाने अच्छा ही है। तो जो इसके साथ का ब्लाउज है वो ये है, तो इसमें भी ये बॉर्डर दिया हुआ है। और बाकी ये मैंने सिंपल ब्लाउज सिलवाया है,
सिंपल है। आती है हमारी तीसरी साड़ी जो कि बहुत सुंदर है और बहुत हैवी है, तो वो है ये। इसकी है बहुत हैवी बॉर्डर है इसकी, आप देख सकते हो। और ये साड़ी मैंने ली थी चांदनी चौक से। तो ये इसका पल्लू है पूरा इस कलर का, रानी कलर का। तो जो ये साड़ी है इसका हाफ पार्ट ये सिल्क का कपड़ा है और जो हाफ पार्ट है वो नेट का कपड़ा है जिसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है पिंक कलर और गोल्डन कलर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जितने प्यारी आपको ये कैमरे में लग रही है उससे ज़्यादा प्यारी है सामने पे लगती है। तो ये मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है और जब भी मैं साड़ी को पहनती हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट तो मिल ही जाता है साड़ी को लेके कि आपकी बहुत सुंदर साड़ी है। है ऐसा प्लेन पल्लू है जिस पर आपको बॉर्डर दी हुई है सब जगहों से। ये पूरी बॉर्डर है, ये देखिए। और ये पूरी साड़ी पे ऐसी ही है। तो ये है मेरी फेवरेट साड़ी, तो ये पहन के काफी प्यारी लगती है। मैं इसकी फोटो या वीडियो आपको साथ में दे दूंगी। और ये मैंने ली थी लगभग 5000 की, इसको एक दो साल हो चुके हैं। इसके साथ जो ब्लाउज पीस मुझे मिला था वो गोल्डन कलर का था, बट वो मैंने सिलवाया नहीं है। मैंने इसके लिए एक मार्केट से ऐसी जो रेडीमेड ब्लाउज हैं वो खरीदे। तो और इसके साथ जो आपको पेटीकोट लेना पड़ेगा वो भी आपको साटिन या शिमर वाला लेना पड़ेगा। मैं अभी तक ऑनलाइन कोई भी साड़ी परचेज नहीं की है। एक बार मैंने मंगवाई थी, दो टाइम मैंने मंगवाई थी, बट वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई तो फिर मुझे रिटर्न करनी पड़ी। मेरे पास काफ़ी साड़ियाँ हैं बट कुछ आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, तो मैंने अपने होम टाउन में छोड़ी हुई हैं। और कुछ हैं अभी भी मेरे पास, कुछ सिल्क की हैं, कुछ कॉटन की हैं, तांत कलकत्ता तांत की। तो अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए एक साड़ी का वीडियो और लाऊंगी दूसरा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये मेरी साड़ियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप भी ऐसी कुछ साड़ी ढूंढ रहे हो और आपको थोड़ा आइडिया चाहिए तो ये हैं ये साड़ियाँ। मैं इनके साथ इनका वीडियो डाल दूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।